आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, जो कि ये कल रात से ही सर्वे कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग आज मूव करेंगे, तो ये रहा न्यू लोकेशन। और इस लोकेशन पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग देख सकते हो लेग ऑलमोस्ट पानी के अंदर है, 130 फीट के अप्रॉक्स नीचे है। अभी जैकअप हुआ नहीं है, जैकअप होने के बाद 10 फीट और नीचे जाएगा, तो 140 के अप्रॉक्स चला जाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं मेस्ट्रूम। मेस्ट्रूम आने के बाद मैंने लिए थोड़े से सैलेड। सैलेड लेने के बाद मैं गया गैली की ओर, और आज खाने में था चिकन करी, पोटैटो फ्राइज, पिज़्ज़ा, सूप, दाल, वेजिटेबल एंड राइस। खाने के बाद हमें मिला सूप और चॉकलेट्स। इसके बाद मैं चला आया ब्रिज में ड्यूटी टेक ओवर करने के लिए, पर मैं जब ब्रिज में पहुंचा तो चीफ ऑफिसर और दो एबी थे, तो इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। तो अभी से वॉच चलेगी कंटिन्यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज वेसल न्यू लोकेशन पे है, और ये लोकेशन कुछ ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इस रीजन से है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ है। अभी तक मेरा ऑलमोस्ट 3 months 10 days हो गया ऑनबोर्ड, पर इतनी ज़्यादा डेप्थ वाले लोकेशन पे कभी नहीं आया था। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो में कि कितनी ज़्यादा डेप्थ है, आप लोग समझ जाओगे। क्योंकि ये जो लेग है बार्ज का, 3 legs हैं इस बार्ज में, तो सारे लेग्स की लेंथ है 160 feet। तो अभी ऑलमोस्ट 140 फीट जो है पानी के अंदर है। और इसके साथ मैं दूसरी वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें आप लोग देख सकते हो फुल लेंथ कितनी है लेक की, तो आप लोग कंपेयर करके देख पाओगे कि कितना ज़्यादा लेक नीचे है पानी के अंदर। तो दोस्तों, ये है एक्चुअल लेंथ लेक की, 160 feet। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ लेक दिखाने के लिए कि कितना अंदर है। तो ये आ गए हम लोग बाहर। तो ये देखो, ये है लेग 2, 20 feet बस ऊपर है पानी से। ये है लेग 3, और लेग 1 में आप लोगों को दिखाता हूँ जो आफ्ट लेग है। ये तो भाई हाथ से छू सकता हूँ यहाँ से यदि चाहूँ तो। आप लोग देखो, आराम से पकड़ सकता हूँ हाथ से। अभी चलते हैं अंदर और आराम को भी अपना काम स्टार्ट कर चुकी है। आप लोग देख सकते हो क्रेन ऑपरेट हो रहा है, बंदे लोग डेक पे काम कर रहे हैं। तो आराम को अपना काम स्टार्ट कर चुकी है, तो कल सुबह तक ये काम अपना ख़त्म कर लेगी, और कल हम लोग फिर से एक नए लोकेशन पे मूव करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट लोकेशन का ऑलरेडी मेरे पास पैसेज प्लान आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो ये रहा पैसेज प्लान, और इसमें कुछ करेक्शन करना है। तो अभी मैं करेक्शन करने के लिए बैठा ही हूँ, तो पहले मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, उसके बाद फिर करेक्शन करूँगा, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। तो अभी तो पहले मैंने ऑलरेडी मैप्स सारे निकाल के रखे हैं, आप लोग देख सकते हो, ये 1, 2 और ये 3रा मैप। इन सारे तीनों मैप से देख के करेक्शन करना है। तो सबसे पहले तो मैं अभी नीचे जाने वाला हूँ, टैंक्स की साउंडिंग लूँगा, उसके बाद फिर ऊपर आके वीडियो एडिट करूँगा, उसके बाद ये करेक्शन करूँगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से टैंक्स की साउंडिंग लेने के बाद। तो दोस्तों, टैंक्स की साउंडिंग लेके मैं आ चुका हूँ वापस से ब्रिज पे। ये रही साउंडिंग, अभी इसको नोट डाउन करते हैं जल्दी से लॉग बुक में। तो दोस्तों, साउंडिंग मैंने नोट डाउन कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ वे पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ड्यूटी ओवर होने के बाद जब मैं वर्कआउट करने जा रहा था, तो ये वेसल मुझे दिखा, जो कि ये कल रात से ही सर्वे कर रहा है। तो ये कल रात से जो सर्वे कर रहा है वो है सेस्मिक सर्वे, और ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ये डिवाइस है सेस्मिक वाइब्रेटर। तो ये कुछ सर्वे कर रहे हैं सी बेड के ऊपर, तो ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, यदि आपको जानना है तो आप लोग गूगल कर सकते हो। तो रात वाली वीडियो में जिन्हें भी डेप्थ नहीं दिखा होगा, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि 140 फीट है, और आप लोग देख सकते हो कि कुछ बंदे लोग भी काम कर रहे हैं लेक के ऊपर, क्योंकि उन्हें भी मौका मिला इतने कम हाइट पे काम करने का, तो इसलिए वो जल्दी से जो भी अपना काम है निपटा ले रहे हैं। वर्कआउट फिनिश होने के बाद मैं चला आया ब्रेकफास्ट करने। तो ये सारी चीज़ें थी ब्रेकफास्ट में, और मेरा ब्रेकफास्ट था कुछ ये। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट मैंने अभी कर लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ सोने, और अभी आरामपुर का काम भी कंप्लीट हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो इसका फोल्डिंग निकाला जा रहा है,
और हम लोग अभी कुछ देर में सेलिंग करने वाले हैं दूसरे लोकेशन के लिए। और आज की सेलिंग बहुत लंबी सेलिंग होने वाली है, पैसेज प्लान मैंने रात में ही देखा है, तो ऑलमोस्ट 6 आवर्स की सेलिंग होने वाली है। ऑलमोस्ट डिस्टेंस हम लोग का होने वाला है 25 to 30 नॉटिकल माइल के आसपास, तो काफ़ी लंबी सेलिंग है। हो सकता है आज नींद भी अच्छे से नहीं आए, क्योंकि वेसल जब सेल करती है तो वेसल हिलती है और साथ ही में आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो नींद तो अच्छी आने वाली नहीं है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने केबिन। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय।